काम करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म। विदिशा जिले की तहसीलगंज बासौदा के ग्राम किरवाए में खेत पर काम करती हुई युवती के साथ दुष्कर्म। युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गंज बासौदा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम किरवाए में एक आविद पठान युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम उस समय दिया जब युवती खेत पर अपनी मां के साथ काम कर रही थी। युवती को अकेला देखकर आविद पठान ने बुरी नजर डाली और युवती के साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म को अंजाम दिया। युवती ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी आपबीती सुनाई तो उसके परिजन भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई जहां युवती की रिपोर्ट पर आरोपी आविद पठान पर मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को देखते एसडीओपी टीआई मौके पर पहुंच गए। वहीं युवती के पिता का कहना है कि आरोपी ने पहले भी युवती की बड़ी बहन पर बुरी नजर डालकर अपहरण करने का प्रयास किया था जिसकी रिपोर्ट भी थाने में की गई थी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और अब ये दूसरी घटना है जब आविद पठान ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। पिता का ये भी कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिली। क्या मामला है? मेरी लड़की के साथ आविद नाम का लड़का है उसने साफ घटना करी। क्या घटना क्या हुआ? मक्का में हाथ पकड़ फूक ले गया उसके साथ गलत काम किया। मेरे साहब मैं रिपोर्ट करने आया जहाँ उसके बाद गाँव गाँव वाली उसकी धमकी दे रहा है मुझे गांव वालों में कौन समुदाय विशेष के लोग हैं कि सभी गांव वाले परिवार वाले घर वाले हाँ तो पहले भी कोई आपके परिवार में किसी के साथ घटना होने लड़की किया था हाँ उसको साहब भी उठा ले गया मुंह बांध के हाँ यही आवे थी हाँ साहब मैं अमन नगर चौकी पहुँचा हाँ मैंने सूचना दी उन्हें रिपोर्ट लिखी हाँ लिखने के बाद में वो आविद को उठा के लाई हाँ मारपीट की कम से कम 150 लट मारे पहले पूछी नहीं बताया उसने 150 लट मारा जब उसने पका पका तो लड़की मेरी 2 घंटे के अंदर आ गई थाने में चौकी में आने के बाद में लड़की मेरे पास हाथ कर गई जो बोले कहने लगे आप ले जाओ उसकी शादी करो और कल हम उसको बुलाएंगे बयान हो आप ले आएंगे। अच्छा तो साहब ने कल ना फल लगाया ना हाई लगाया उस बच्ची की मैंने शादी कर गई दूसरी बात ये बच्ची के साथ उसने साथ फिर घटना की। अच्छा पुलिस उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी मतलब कोई गिरफ्तार नहीं करी कोई कार्रवाई नहीं करी पैसा देना लेकर साहब उसको रफे सफे कर लिया। क्या मामला सर सर एक ग्राम गिरवाया से एक बच्ची अपने पिता के साथ आई थी उसका नाम शिवानी है पिताजी का नाम समाज के हैं और उसका यह कहना था कि दोपहर 2 बजे के करीब वो खेत में थी मकई में काम कर रही थी उसके पिता सो रहे थे माँ अलग काम कर रही थी उसी समय गांव का ही आविद खान मुसलमान उसके खेत में घुसा जो मकान में घुस गया था उसको पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया इससे से 370 का अपराध कायम किया गया है और आरोपी आबिद खां को हिरासत में लिया गया है तत्काल कार्रवाई करते हुए और आरोपी कोर्ट में पेश किया जाए। पीड़ित अगर पिता का कहना उसको निरंतर धमकी मांग रही है जान से मारने की तो इससे मामले में सर आप क्या जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो लड़की के पिता का कहना 3 माह पूर्व इसकी बच्ची के साथ इस प्रकार घटना हो चुकी है और कोई मामला थाने में दर्ज नहीं किया गया और समझा बुझा कर भगा दिया गया था। उस संबंध में मैं अपना रिकॉर्ड दिखवा लूँगा थाने में मैं अभी यहाँ बताया इस समय क्या कार्रवाई की गई है उस संबंध में रिकॉर्ड देखते ही बताइए। थैंक यू।